दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हेमोग्लोबिन टेस्ट कैसे किया जाता है बाय साहली मेथड से। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आवश्यकता होगी साहली हेमोग्लोबिनो मीटर। साहली हेमोग्लोबिनो मीटर में ये एक कंपरेटर बॉक्स हो गया, ये एचबी ट्यूब हो गया। एचबी ट्यूब में देखिए दो मार्किंग होता है, एक साइड से देख रहे होंगे आप लोग, ये ग्राम परसेंट में है और दूसरे तरफ से केवल परसेंट में है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ परसेंट में है दूसरे साइड से। और ये हो गया ग्लास रॉड, इससे हम लोग मिक्स करते हैं। ये एच बी पिपेट हो गया, इस पे एच बी पिपेट देखिए ये मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे 20 माइक्रोलीटर तक हम लोग का ब्लड आता है, मार्किंग क्या हुआ है यहीं तक ब्लड हम लोग को लेना होता है। और चाहिए हम लोगों को क्या, ये ब्लड सैंपल डिस्टिल वाटर, ये N/10 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो N/10 हम लोग लेते हैं। कंपरेटर बॉक्स में ये ट्यूब एचबी ट्यूब जो है इसको हम लोग लेते हैं, डालते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग N/10 जो है HCl है वो हम लोग इसमें मार्किंग क्या हुआ है नीचे 2 मार्क, ठीक है, यहाँ तक 2 तक हम लोग इसमें ले लेते हैं। ये N/10 हम लोग ले रहे हैं। ये 2 तक हम लोग N/10 इसमें ले लिए। दोस्तों अब हम लोग जो EDTF ब्लड था इसको हम लोग अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं वाइल में। ये मिक्स कर लेने के बाद ड्रॉपर के हेल्प से लोग ब्लड एक स्लाइड पे ले लेते हैं। ब्लड लेने के बाद एचबी पिपेट से हम लोग, ये एचबी पिपेट है, इससे हम लोग 20 माइक्रोलीटर ब्लड सोक करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा ब्लड थोड़ा आ गया है तो इसको हम लोग ये कॉटन के हेल्प से इसमें सोक कर लेंगे। ये ब्लड जो 20 माइक्रोलीटर आ गया है इसको हम लोग N/10 जो ट्यूब में लिए थे इसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से इससे मिक्स करते हैं, ये रॉड है ग्लास रॉड, इससे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इस स्टैंड में हम लोग जो कंपरेटर बॉक्स है इसमें स्टैंड करके रख देते हैं लगभग 5 से 10 मिनट तक। ये 10 मिनट हो गया, इसमें देखिए जो ब्लड मिक्स किए थे N/10 में ये ब्राउन कलर का हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, डार्क ब्राउन पूरा हो गया। अब इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग स्टीरर्स के हेल्प से स्टीर करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों इसको हम लोग मिक्स किए, अभी देख रहे हैं कि ये दोनों जो रॉड लगा हुआ है इसमें कलर जो इसका मैच नहीं कर रहा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टिल वाटर जो है और इसमें हम लोग ऐड करेंगे। इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर मिक्स किए, मिक्स करने के बाद इसको
और स्टिर कर लेते हैं अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। फिर इसको कंप्यूटर बॉक्स में हम लोग मैच करके देखेंगे। अभी भी देखिए थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे और भी डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे। इसको हम लोग मिक्स कर लिए। अब मिक्स करने के बाद इसको हम लोग फिर से कंप्यूटर बॉक्स में मैच करवाएंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों रॉड लगा हुआ है इसमें हम लोग का जो ये HB ट्यूब है इसका कलर इसमें मैच हो रहा है। मैच हो रहा है तो अभी हम लोग इसमें ब्लड सॉरी ये मैच कर रहा है। अब इसको हम लोग ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक मैच हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये नीचे 10 है, 10 इसके बाद ऊपर 12 है, 10 और 12 के बीच में लगभग है। यहाँ पे मैंने इसको इसमें आप लोग देख इसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम है, 11 ग्राम आसानी से आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं बाय साली मेथड।